चलो तो मैं एमडी एशिया टेलीकॉम से और मेरे साथ है 28 जुलाई की बैच हम सब लाइव है। टाइम क्या हो रहा है? क्लास कब स्टार्ट हुई थी हमारी? 7 बजे हुई थी। अभी हम इस समय लाइव है। आपके हाथ में क्या है? अब ये बताइए मेरे को कि इस क्लास में यहाँ आने से पहले किसी को माइक्रोस्कोप भी सेट करना आता था क्या? हेलो, नहीं सर। माइक्रोस्कोप सेट करना आता था? नो सर। माइक्रोस्कोप सेट करना आता था आपको? फर्स्ट टाइम सेट किया आपने? यस सर। अभी किसी के पास दो स्टूडेंट को छोड़ के किसी के पास माइक्रोस्कोप थे क्या यहाँ पर? नो सर। नहीं थे? नो सर। हमने पहली बार सीखा? यस सर। प्रोसेस हमने पूरी देखी? यस सर। प्रोसेस को पूरी समझी? यस सर। माइक्रोस्कोप को सेट करना? यस सर। बैठने का तरीका? यस सर। यूजर होल्ड करने का तरीका? यस सर। एसएमडी को होल्ड करने का तरीका? यस सर। पीपीडी बनाने का तरीका? यस सर। पीपीडी अप्लाई करने का तरीका? यस सर। यूजर को रखने का तरीका? यस सर। बालों को इक्वल करने का तरीका? यस सर। बालों को इक्वल करने के साथ? यस सर। जो हम टेम्परेचर देंगे एसएमडी से तो नोजल रखने का तरीका? यस सर। एयर? यस सर। हीट? यस सर। कैलिब्रेशन? यस सर। सब कुछ सीखा हमने? यस सर। और कैसे हम एक आईसी को बिना बाहर निकाले हम ये जज कर लेंगे कि सर मेरी आईसी सही बनी है? यस सर। कौन कौन कर लेगा इसमें? आप कितनी कितनी बार करके बताएंगे? 5 बार। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। यस सर। चलिए बात है 28 जुलाई की बैच। यस सर। कौन लाइव है? सब लाइव है? यस सर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज आपका पहला दिन है? यस सर। आज आपका पहला दिन है? यस सर। पहले दिन का आउटपुट क्या आउटपुट है? जबरदस्त रहा सर, बहुत अच्छा रहा सर। अच्छा एक्सपीरियंस रहा? यस सर। मैं बोल सकता हूँ पहले दिन पैसा वसूले? यस सर। कौन से दिन? पहले दिन वसूले? यस सर। हम ऐसे इंस्टीट्यूट में तो नहीं आए कि जिसका टीचर सोया करता है और आप काम करा करते हो? एग्रेसिव हो कि नहीं हो? यस सर। टीचर एग्रेसिव है कि नहीं है? नॉलेज का लेवल क्या है? yes, उसके साथ में पहली क्लास थी आज से आपकी देव सर के साथ। मॉर्निंग yes, में क्लास कितनी बजे आया? 7 बजे। दुनिया का कौन सा सरकारी स्कूल भी नहीं लगता 7 बजे? yes, समझ में आ रहा है? yes, 7 बजे आए और अभी टाइम क्या हो रहा है? 8:30 बज रहे। कितने घंटे हो गए आपको? 13 घंटे। खाने के 2-3 घंटे की छुट्टी दी होगी मैंने? 1 घंटा आराम करने का नहीं दिया? कंटिन्यू क्लासेस है ना, आप भी सीख रहे हो और हम भी सिखा रहे हैं आपको। और देव सर की क्लास कितने घंटे थी आपके साथ? 4 घंटे ही। कैसे आपको 10:30 बजे से इंगेज किया उन्होंने और 3 बजे छोड़ा है? 10:30 बजे से 4 बजे कितने घंटे? 5.5 घंटे। अच्छा तो उन्होंने ब्रेक देके क्लास दिया ना? लेवल क्या था मतलब जैसा शुरू सुबह आए थे वैसा जाते वक्त भी था ना? हेलो, वैसा जाते वक्त भी थे ना? उसके बाद आपको मैंने एक ब्रेक दिया, लंच ब्रेक दिया आपको। लंच ब्रेक के बाद से हम कंटिन्यू है यहाँ पर। अच्छा कंटिन्यू के बाद जो सर ने पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? किसने किया प्रैक्टिकल? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आप रजिस्टर चेक करके बताओ तो कौन कौन बता सकता है? लो वैल्यू, हाई वैल्यू? कैपेसिटर चेक करके कौन बता सकता है? बिना देखे कौन बता सकता है कि सीरीज में के पैरेलल में? बता सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट एक थर्मिस्टर होता है। थर्मिस्टर जो 10-10 साल वाला टेक्नीशियन भी उसको सर्च नहीं कर पाता। हेलो, उसको सर्च नहीं कर पाता? आप कर सकते हो? नहीं कर सकते? हेलो, कितनी देर लगेगी आपको? 2 मिनट सर। पूरी किसी भी छान दोगे? यस सर। आपको मालूम है कहाँ ढूंढना है? यस सर। क्या तरीके से आएगा? यस सर। कैसा आएगा? यस सर। 100% श्योर करने का तरीका क्या है? यस सर। आपको बताएं? यस सर। चलिए और उसके सामने आज आपके सामने लाइव सर ने लाइव डेड ऐसा सेट बनाया था जिसका CPU पावर सभी पे काम किया हुआ था। उसके बाद हमने एक जरा सी चीज में फॉल्ट निकाला ना, तो वो वैल्यूएबल था कि नहीं था? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। मोहम्मद मन्नान। ये बताइए कि कितने साल से काम कर रहे हैं और आज आपका पहला दिन एशिया टेलीकॉम में, किस तरीके से रहा? सर पिछले साल से 10 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन 10 साल के आज पहला दिन बहुत बढ़िया गया सर। जो 10 साल की नॉलेज नहीं मिली वो आज एक दिन में मिल गई। एक दिन में मिली आपको नॉलेज, बाय थ्योरिकली बाय प्रैक्टिकली दोनों मिला सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर, मेरा नाम बाबा साहब पालकी है। ओके, पहले दिन मुझे रिवॉल्विंग वगैरह कुछ नहीं आता था, जो अभी परफेक्टली काम करता हूँ। परफेक्टली काम कर रहे हैं। और अभी अगर कंपोनेंट पीसीबी में से ट्रेस करना हो तो सब सब आता है। अच्छा दूसरी बात, जो देव सर के साथ आपको क्लास का नॉलेज मिला, अभी ये नॉलेज किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में बैठे होते तो मिल पाता नहीं, आप बहुत दूर से आए। यस सर। 3 दिन ट्रेवल किया आपने? यस सर। एम आई राइट? यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।
तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज फ्रंट पे आइए। नौरतन, कहाँ से हैं आप? भूटान से। भूटान से, इतनी दूर चाहते तो दिल्ली भी जा सकते थे आप। आपने जबलपुर पे एशिया टेलीकॉम पे देओल सर की टीम पे क्यों विश्वास किया? मैंने वीडियो को बहुत शाम से फॉलो किया ओके, और नॉलेज कितना है जान के लिए यहाँ पे आया। ओके, तो नॉलेज जान के यहाँ पे आए, जानने में और यहाँ बैठ के काम करने में दोनों में क्या फर्क था आपका? वेरी डिफरेंशियल से यहाँ पे बैठ के काम करने में, मतलब जो मैंने ट्रेनिंग काम शुरू किया था तब से जो कुछ पता नहीं था, आज एक दिन में एकदम एक्सेप्शनली हाई नॉलेज मिला है। मतलब यहाँ पर जो आप दो टीचरों से पढ़ रहे हो, नॉलेज का लेवल क्या है उनका? 200% हाई, नॉलेजेबल। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, तो आप प्लीज अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम अजय कुमार शाह। अजय कुमार शाह कहाँ से हैं आप? झारखंड से। अजय कुमार, अगर मैं कब से काम कर रहा हूँ मोबाइल की फील्ड में? सर 10 साल से। मैं बोलूँ कि एक दिन में एशिया टेलीकॉम से पैसा वसूल है कि नहीं है? यस सर। पहला दिन पैसा वसूल है कि नहीं है? यस सर। क्या नॉलेज मिला है आपको आज? बहुत अच्छा नॉलेज मिला है। रिवॉल्विंग कितनी बार किया? चार बार किया। रिजल्ट मिला हमको? आज से पहले कभी कर पा रहे थे क्या? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम। ओके ओके, तो कृष्णा ये बताइए कि अभी नॉलेज का लेवल क्या है तुम्हारा? आज पहला दिन नॉलेज का लेवल क्या है? क्या परफेक्शन की तरीके से हैंड स्किल पे इतना अच्छा काम कर पाते थे आप क्या पहले? डन हुआ आपसे। अभी कंपोनेंट का नॉलेज कैसा है आपको? जो देव सर से क्लासेस मिली है या प्लस एक्स्ट्रा क्लासेस में आपको वीडियो जो मिला है उसके अंदर आपको डेड मोबाइल को ऑन करके बताया, पहले दिन ही बताया, डेड का कॉन्सेप्ट पहले दिन से ही चालू है हमारा, तो वो कैसे मिला आपको? और अभी आपने मोबाइल में एंट्री मारी, आज आपका कौन सा दिन है? आज पहला दिन है। पहला दिन है, तो आज आपने क्या क्या पहले दिन? क्या एक फ्रेशर इंसान? हेलो, क्या एक फ्रेशर इंसान जिसने कभी असेंबली को छुआ नहीं? मैं भाई सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? वो डिसऑर्डर वायर को पहचानता नहीं है वो, और पहले दिन आके इतना एक्सीलेंट काम करा, एक बार क्लैपिंग कर दो इनके लिए। अभी घर वाले लाइव देख रहे हैं, आपके वालिद साहब, आपके पिताजी, आपके फादर भी लाइव देख रहे हैं, तो खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। सुमित कुमार। कहाँ से आप? चंडीगढ़ से। सुमित चंडीगढ़ से चाहते तो दिल्ली बहुत ही नजदीक था। यस सर। मैं बोला भाई टैक्सी भी जा सकते थे आप। यस सर। फिर एशिया टेलीकॉम पे, अब वो तो बड़े बड़े नाम है और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं वहाँ पे, तो फिर एशिया टेलीकॉम पे विश्वास कैसे जताया? और जब आपने पहले दिन आप फीस देकर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? यस सर। या किसी प्रकार की डेमो क्लास लेके बैठे हैं आप? नो सर। किसी प्रकार की डेमो क्लास हुई क्या? डेमो क्लास का आपने मुझसे पूछा क्या? नो सर। एशिया टेलीकॉम डेमो क्लास देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नो सर। आवश्यकता है क्या एशिया टेलीकॉम को? नो सर। नो आवश्यकता है। अच्छा ये बताइए मुझे कि आज आपको पहले दिन क्या लेवल से नॉलेज मिला? सर एकदम हाई लेवल की नॉलेज। अभी मैं पहले नहीं कर पाता था वो, आज पहली बार किया, बहुत अच्छा लगा। अभी कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट और हैंड स्किल का कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा? जो भी हमने क्लास किया वो कंप्लीट है कि नहीं है? हमने जो भी टास्क किया है वो कंप्लीट है कि नहीं? हमने जो आज जो टास्क किया वो कंप्लीट है कि नहीं? कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। छत्तीसगढ़ से। सुनील ये बताइए आप कितने साल से मोबाइल का काम कर रहे हैं? 3 साल। 3 साल से मोबाइल का काम कर रहे थे, क्या आईसी लेवल पे कभी काम किया था? आईसी लेवल पे नहीं सर। अभी क्या कर पा रहे हैं आप? सर अभी रिवॉल्विंग वगैरह सब पर एक कंपोनेंट, पहले जो सर पढ़ाए थे उससे तो कई गुना बढ़िया है। अच्छा, नजरिया बदल गया। अच्छा, कहीं से पढ़ के आए आप? मतलब वैसे डेमो टाइप। अच्छा यस, पढ़ के आए। तो एशिया टेलीकॉम में और दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। एशिया टेलीकॉम इंसान एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एक मैं आप सबसे एक क्वेश्चन है मेरा, आप सुन रहे हैं मेरे को? मेरा सबसे आप क्वेश्चन है कि एशिया टेलीकॉम इंसान क्यों जाएंगे, क्या क्या चीजें एशिया टेलीकॉम फेमस है सर यहां पर? क्या फेमस है, फिर से सुनना चाहूंगा? नहीं बना पाता है तो उसको 1 से 10 बार कराते हैं और उसे मना के ही छोड़ते हैं। और यहाँ पे जो आईसी से ऑन नहीं होता है उसको कंपोनेंट से भी ऑन करने के लिए तरीका बताया। एक बार क्लेमिंग कर दो यार, टेलीकॉम की पूरी टीम ने आपके साथ मदद की है, रिस्पॉन्स तो बनता है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, राहुल शाह, वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ना, दिल्ली भी नजदीक पड़ता है, फिर एशिया टेलीकॉम में जबलपुर में आपने कैसा विश्वास दिखाया, और एशिया टेलीकॉम में देवरतन अग्रवाल सर की टीम के साथ आपने विश्वास कैसा है, और अगर विश्वास किया है तो आपको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? यस सर, रिजल्ट मिला, 100% रिजल्ट मिला। 100% रिजल्ट मिला। क्या आप आईसीयू पे पहले कभी काम कर पाते थे? माइक्रोस्कोप जीवन में पहली बार सेट किया आपने? यस सर। कैसा लगा आपको? 100% कंफर्टेबल लगा। तो अगर मैं एक दिन दो दिन, जब आपका एक दिन में इतना अचीवमेंट है तो आप ये मान के चलिए कि आपके भी पूरे दिन की क्लास बाकी है,
तो क्या लेके जाएंगे एच टेलीकॉम से? 100% लेके जाएंगे। अच्छा, सेकंड बात आपसे पूछूंगा कि जो देव सर ने पढ़ाया आपको, ये नॉलेज अगर यही अगर आप ये जो कंपोनेंट वन की क्लास थी, देव सर की क्लास थी, अगर कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में आप अगर जाके लेते तो क्या मिल पाती आपको? नहीं मिल पाती, डीप लेवल नहीं मिल पाती। आपको कैपेसिटर की कितनी वेरायटी बताई सर ने? चार वेरायटी बताई ना सर। समझ में आ रहा है आपको? पैसा वसूल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा इधर आइए प्लीज, इधर आ जाइए। तो चलिए, मेरे पास अनदर स्टूडेंट है, तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। आशुतोष कहाँ से आप? बिहार से। तो आशुतोष, बिहार में भी इंस्टीट्यूट है, आजू बाजू भी इंस्टीट्यूट है, यूपी साइड भी इंस्टीट्यूट है, चाहते तो नज़दीक पड़ता था यहाँ, धीरे से दिल्ली भी निकल सकते थे। फिर एशिया टेलीकॉम पे विश्वास क्यों दिखाया? तो मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। सोनू यादव, छत्तीसगढ़ से आप। तो सोनू, एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन, तो जो हम सोच के आए थे है ना, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी, सोच के आए थे, हमने परिवार छोड़ा, दुकान छोड़ी, दुकान को लॉक किया, और दुकान को लॉक करने पे एशिया टेलीकॉम में है, तो पहले दिन का आउटपुट क्या है हमारा? बहुत अच्छा है सर, पहले दिन से 7 बजे से क्लास में आए हैं, और 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। देखो सुनो मेरी बात, सुबह 7 बजे से लेकर तो रात के 12 बजे तक एक चपड़ासी भी बैठता है, समझ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, एक चपड़ासी भी होता है जो रात भर वहाँ पर बैठा रहता है, समझ में आ रहा है? और मैं यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट खोल के चाबी आपको दे दूँ तो वो भी रात भर खुला रहेगा। तो क्या फर्क है एक सुने इंस्टीट्यूट में और टीचर के साथ काम करने में और नॉलेज फुल टीम के साथ काम करने में? सर, यहाँ टीचर अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, और उसी के साथ खाना भी खाते हैं, सब यहाँ रहते हैं, तो काम करने में समय का पता नहीं चलता सर, बहुत अच्छा समय बीता है, पता भी नहीं चला सर, और अच्छे कंपोनेंट का जो हम सोच भी नहीं सकते इतना वैरायटी है कंपोनेंट का, बहुत सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो भैया इधर बाकी सब आ जाइए, इधर चलो आ जाओ इधर। तो मेरे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए। सर, मेरा नाम अविनाश कुमार है, मैं बिहार से हूँ। ओके, पहली बात उसमें ये कहूँगा सर, जो सोचा नहीं था मुझे वो यहाँ पे वो मिल रहा है। ओके, देवरतन अग्रवाल से मैंने कभी टीचर नहीं देखा, ना स्कूल में ना कहीं देखा, ये यहाँ पे आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक अच्छा जगह पे आया हूँ आज, और ऐसा कहूँगा मैं एक ही इन्फो में एक बार चला गया मैं दिल्ली। जी जी, वहाँ पे किसी का नाम नहीं बोला, किसी इंस्टीट्यूट में गए थे आप? टीचर पे गया था, फिर वहाँ अच्छा लगा, मैं फिर वहाँ से यहाँ आ गया, अपने एक दोस्त ने बताया कि वहाँ चला एशिया टेलीकॉम, बस मैं यहाँ गया, बहुत अच्छा लगा था। तो एशिया टेलीकॉम आने के बाद अभी क्या लगा आपको? एशिया टेलीकॉम के पहली बात तो ये जो सोचा था उससे कहीं बेटर मुझे मिला, जो थर्मिस्टर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में हमको पता नहीं था, हमको वो यहाँ पे नॉलेज मिला। ओके, और हमने कभी माइक्रोस्कोप पकड़ा नहीं था, हमने कई बार रिबोलिंग किया, 10 बार 12 बार किया, वो परफेक्ट हुआ। हाँ, तो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है सर यहाँ पे, सर मेहनती टीचर भी हैं, इसी कारण रिजल्ट मिल रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, प्लीज आइए। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर, मेरा नाम भोला है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। भोला, छत्तीसगढ़ से? जी सर। तो भोला, कितने समय से दुकान चला रहे हैं? मैं 4-5 साल से सर। और दुकान का नाम बताएंगे आप? जी सर, मोबाइल वर्ल्ड। मोबाइल वर्ल्ड, जी सर। तो मोबाइल वर्ल्ड की दुकान से आए आप, तो दुकान अभी चल रही है या कोई बैठा है वहाँ? भैया है सर। भैया बैठे हैं वहाँ पे? जी सर। तो ये छत्तीसगढ़ में कहाँ पे आपकी? बालोद सर। बालोद में? जी सर। तो आप दुकान भी छोड़ के आए हैं, भैया को छोड़ के आए हैं, फैमिली को छोड़ के आए हैं? जी सर। है ना, और पढ़ने आए हैं यहाँ पर, तो क्या रिजल्ट मिला हमको? 100% रिजल्ट मिले जाने, जो यहाँ के टीचर में एनर्जी है वो शायद कहीं नहीं सर, पढ़ाने में जो मज़ा आता है, मज़ा आता है सर। मतलब मैं बोल सकता हूँ एशिया टेलीकॉम मतलब इंडिया पैसा वसूल, पैसा वसूल, पैसा वसूल है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ आ जाइए, 2-3 आ जाइए, क्लब हो जाइए साथ, फटाफट आ जाओ, फटाफट। तो चलिए, मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। मेरा नाम कार्तिक राठिया है। कार्तिक राठिया, कहाँ से है भाई आप? छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़, आपकी दुकान है? नहीं है। आपकी दुकान नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो अब यहाँ से सीखने के बाद क्या करेंगे आप? अपना जाकर स्वयं का काम चालू करेंगे? स्वयं का काम करूंगा। ओके, तो हमको नॉलेज कैसा मिल रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा मिल रहा है। जो एक दिन की क्लास है वो पूरी डन हुई कि नहीं हुई? सर, क्लास जितनी थी ना उतनी पूरी हो गई। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, भाई कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मुश्ताक है, मैं बिहार से। मुश्ताक, आप बिहार से? तो मुश्ताक, एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, सवेरे 7 बजे से बैठे हैं, अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो क्या फीडबैक है आपका? फीडबैक 100% है सर, यहाँ से जो भी आते हैं 100% लेते ही जाते हैं। ओके, और एक सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है, जीरो के हिसाब से 100 तक
100 तक पहुंच जाते हैं। तो अभी जो आपने जो क्लास आज आपकी क्लास वन डे था, तो सारे टास्क आपके डन हुए कि नहीं हुए? यस सर, डन हुए। मैं बात करूं कि आज आपका रिवॉल्विंग डे था, तो रिवॉल्विंग आपसे हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, उसके बाद कंपोनेंट का जो नॉलेज दिया देव सर ने आपको, वो एक्सलेंट मिला कि नहीं मिला? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। तो मेरे साथ स्टूडेंट है, थोड़ा बताइए आप कहाँ से? कटिहार बिहार से। तो रवि, हमको एशिया टेलीकॉम में आज आपका जाना देना, कैसा नॉलेज मिल रहा है? नॉलेज सर अच्छा था जी, और एक्सपीरियंस भी अच्छा था। ओके, तो काम करता था ओके, लेकिन चीप लेवल पे काम नहीं, चीप लेवल पे काम नहीं करते, इस पे कनेक्टर चार्जिंग माइक पे काम करते हैं। यस सर ओके। और यहाँ आकर आज मैंने वॉलिंग किया, जो जहाँ दिक्कत हुआ आप लोगों से हेल्प किया, और आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझाया, चाहे वो एक बार हो या दो बार, लेकिन अच्छे तरीके से समझाया, और मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं लगा। और आने से पहले मैं बहुत घबराहट लेके आ रहा था, कैसा लगा रहा, और कहीं वेस्ट तो नहीं, हाँ वेस्ट तो नहीं जाएगा, कैसा रहेगा कैसा नहीं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ऐसा हो रहा है। आने के बाद महसूस हुआ कि नहीं, अभी मैं सही जगह पर आया हूँ और मेरा पैसा वसूल है। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है बापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। आज तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था, मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है। तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद, और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं चलो एक चीज़ को इंस्टीट्यूट की तरफ से, एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया। जी, जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से, एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है, जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा। ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का, और एमडी सर का, और देव सर का। चलिए ठीक है। मेरा नाम सावन जावेद, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके, मेरे हाथ जैसे आप देख रहे हो, ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिला है। मैं करने एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड का आया था, और मेरे को आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिल गया, और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब, मोबाइल रिपेयरिंग, और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। सर मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था, देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं इसे टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिल गया है, और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, एमडी सर का बहुत बहुत बड़े धन्यवाद, एक क्लिपिंग हो जाए सर के लिए, बहुत शुक्रिया आपने। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए, और ना ही यूट्यूब में सॉल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो, और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए, हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे, हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहाँ बेसिक से